अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम और इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो केमिकल इक्विलिब्रियम को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि द स्टेज आर पॉइंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड आर रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में वो पॉइंट जिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं और रिएक्शन में नेट चेंज जो है वो खत्म हो जाता है, तो उस स्पेसिफिक स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेज या सिंपली इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, सो अंडर सर्टन कंडीशन ऑल रिवर्सिबल रिएक्शन रीच टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विच इज कॉल्ड केमिकल या डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के हमारे पास जो है वो दो बेसिक टाइप्स है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर वन को हम कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और नंबर सेकंड को हम कहते हैं हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के हमारे पास ये दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम। सो अब हम इनको थोड़ा डिफाइन करेंगे एंड विद एग्जांपल इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि द इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन आर इन सेम फेज इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम उस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं जिसमें तमाम कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन जो है वो सेम फेज में होते हैं, यानी वो इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल देता हूं। जब हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है वो रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास NO2 बन जाता है, और NO2 जब आपस में रिएक्शन कर लेता है तो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन बन जाते हैं, और इस तरह हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखें, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये गैसीय स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेट में है और NO2 भी गैसीय स्टेट में है, तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें तमाम रिएक्टेंट्स भी सेम फिजिकल स्टेट में हो, सेम फेज में हो, और तमाम प्रोडक्ट्स भी सेम फेज में हो, तो ऐसा इक्विलिब्रियम जो है इसको हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। अदर एग्जांपल होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का जो है वो ये है, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है। जब एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर लेता है तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है और हमारे पास इथाइल एसीटेट बन जाता है प्लस वाटर बन जाता है। अब देखें, एसिटिक एसिड जो है ये एक्वस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है, इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड है, इथाइल एसीटेट भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, लिहाजा ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें तमाम रिएक्टेंट्स और तमाम प्रोडक्ट्स सेम फेज में होते हैं, सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अब हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसका उल्टा है वो, द इक्विलिब्रियम इन विच
all the components of reaction are not in same phase is called heterogeneous equilibrium. वो equilibrium जिसमें reaction के तमाम component same phase में नहीं होते, different phases में होते हैं, तो ऐसे equilibrium को हम heterogeneous equilibrium कहते हैं. For example, यहां पे मैं एक बहुत मशहूर और स्पेसिफिक एग्जांपल लेता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल स्टोन. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये रिएक्शन कर लेता है और इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है. और थोड़ी देर बाद अगर इस रिएक्शन को हम क्लोज कंटेनर में कर ले तो थोड़ी देर बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है. अब यहां पे आप देखें, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये एक सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है चूना जो है ये भी एक सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक मशहूर गैस है. लिहाजा इस इक्विलिब्रियम में हमारे पास रिएक्टेंट पूरे का पूरा सॉलिड है और प्रोडक्ट में एक सॉलिड है और एक गैसीय स्टेट में है, यानी तमाम कंपोनेंट जो है वो सेम फेज में नहीं है. कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अदर देन सॉलिड है, वो गैसीय स्टेट में है. लिहाजा सच एन इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन आर डिफरेंट, दे आर नॉट इन सेम फेज, सो सच एन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक. इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कॉमेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.